कुछ देर के लिए मैं इस दड़बे से बाहर तो निकली। ये कैसी जगह है? ना तो मैंने कभी ऐसा थिएटर सुना ना तो देखा। किंजल जी, आपको मालूम है ये सिनेमा हॉल ना, ये मुझे अपने बचपन की याद दिलाता है। जब मैं छोटा था ना और राजकोट आया करता था, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसी सिनेमा हॉल में फिल्म देखा करता था। अब आपको यहाँ पर लाके मैं अपनी सारी पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूँ, मजा आएगा। आइए फिल्म देखने चलते हैं। मैं यहाँ नहीं जा सकती, और ऐसे थिएटर में तो मैं हरगिज नहीं जा सकती। छोटी कागड़ी के आने से पहले सब काम पूरा हो जाना चाहिए। मजा। किंजल जी, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब छोड़ो, लेकिन अब एक बात हमेशा याद रखना, अगर अगली बार मुझे पिक्चर ले जाना हो तो अपनी पॉकेट जरूर चेक कर लेना। कम से कम इतने पैसे तो हो कि तुम मुझे एक मल्टीप्लेक्स में पिक्चर दिखा सको, ना कि ऐसे घटिया से थिएटर में। कौन? फाइव, मैं धवल। जल्दी आ गए। आओ छु बेटा, आओ छु। धवल निकला। फाइव, क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? अबे शू बोलू दिख रहा, घर में चोर घुसी आवे हो तो। चोर? हाँ। फाइ, तू तो ठीक है ना? आजे तो नाक कापा मा वारज न लागत। अगर मैंने थोड़ी होशियारी ना की होती तो घर की दुर्दशा तो तुम देख ही रहे हो, लेकिन न जाने वो मेरी अलमारी में से क्या क्या लेकर गया होगा। लेकिन जैसे ही वो किंजल के कमरे की तरफ लपका, मैंने ठाकुर जी का नाम लेकर उसके सामने झूठ बोल दिया कि मैंने अभी अभी पुलिस को फोन कर दिया है और अभी आती होगी। बस ये सुनकर तो वो भागते ही बने। भाई, तुमने बहुत अच्छा किया। साचू बोलू छू धवल, मैंने अगर थोड़ा दिमाग ना लड़ाया होता तो आज तो किंजल वाऊ के सारे भारी भारी दागने साफ हो गए होते। अरे दिकरा, मुझे तो इसी बात का डर था, और ये सोचकर ही तो मैंने सवारे तुझे बोला था कि किंजल वाऊ के सारे दागिने मुझे दे दो, मैं संभाल के रख लूंगी। आज भी पता है क्या हुआ? उस चोरों की नजर सब ठिकाने पर गई,
लेकिन मैंने मेरी तिजोरी इस तरह से रखी थी कि किसी को मालूम ही ना पड़े कि यहाँ तिजोरी है। ठाकुर जी की कृपा से तिजोरी में रखे मेरे सारे दागिने बच गए। किंजल जी, मेरे विचार से ना आप अपनी सारी ज्वेलरी फई की तिजोरी में रखवा दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। किंजल जी सोचे मत, दे दीजिए। ला, मैं इसे तिजोरी में संभाल के रख देती हूँ। चल मेरे साथ कमरे में चल। अब यहाँ तुम्हारे सारे दागिने सुरक्षित हैं। फई, एक काम और कीजिए। हाँ, आपके पास तो तिजोरी की दो चाबियां होंगी, एक आप मुझे दे दीजिए। मेरा मतलब है जब कभी आप बाहर जाएंगी तो मैं संभाल लूंगी। अरे, और अगर कभी मैं बाहर जाऊंगी तो आप संभाल लेंगी। और वैसे भी तिजोरी में ज्यादातर तो मेरे ही दागिने रखे हैं। एक हाथ आपका सेट पड़ा होगा, है ना? हाँ। फई, कितनी सही बात बोल रही है किंजल जी। मेरे ख्याल से आप इनको एक चाबी दे ही दीजिए, अच्छा रहेगा फई। हाँ। चाबी?